सत्य संगम दशरथ नयनम श्यामलम शांतम वंदे लोकाभिरामम रघुपति राम राम रंकर श्राम राम श्री हनुमान सास श्री रामचंद्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी आध्यात्म नगरी कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ में लगातार हम आपको विभिन्न प्रकार के सन्यासी साधु महात्मा तपस्वी साधकों के संवाद श्रृंखलाएं दिखा रहे हैं। आज की हमारी इस श्रृंखला में एक ऐसे सन्यासियों से हम संवाद दिखाएंगे जिनका दिनचर्या एक विभिन्न प्रकार की है। मैं मौजूद हूँ बैरागी साधुओं के तंबू में। दिन के इस समय 1:30 बज रहे हैं और बाबा यहाँ पर एक साधना के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गोल घेरा बना हुआ है। गोल घेरे में गाय के जो उपले के कंडे होते हैं जो सुखा करके बनाए जाते हैं, ये आधा आधा फिट की दूरी पर ढेर लगा करके रखे गए हैं। छोटा 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 ढेर लगा है और बीच में ये बड़ा ढेर लगा है, और इस गोल आकार से बने हुए गोशों के बीच में बाबा बैठे हैं। बाबा अभी तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद की प्रक्रिया बाबा स्वयं करेंगे। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये गोशा वगैरह तोड़ के? ये तपस्या का एक हिस्सा होता है जी। ये 1.5 घंटे की एक तपस्या होती है हर रोज की जी, जिसमें 4 महीने तक बसंत पंचमी से लेकर गंगा दशहरा तक ये तपस्या की जाती है, और तपस्या के बाद में यज्ञ किया जाता है, भंडारा किया जाता है साधु संतों को बुला के। तो ये प्रतिवर्ष करते हैं? जी जी, ये तो आजीवन रहते हैं हमारे बाल ब्रह्मचारी योगियों के लिए जिन्होंने ये तपस्या का व्रत लिया है, वो शुरू से लेकर आखिरी तक 18 साल का उनका ये तप होता है, और 18 साल के बाद में भी इसी तप के नियम के द्वारा उनकी तपस्या चालू रहती है। अच्छा, तो जब से आपने संन्यास लिया तब से करते आ रहे हैं? जी प्रभु, अभी 9 साल हुए हैं, 9 साल और हमारे होंगे। इसके पहले हम लोग एक दूसरी जब साधना कर चुके हैं। अच्छा, 9 साल आपको बैरागी साधु बने हो गए? जी नहीं, बैरागी साधु बने हुए हो गए 18 साल। अच्छा, पहले 9 साल हमने साधना की, जप की, जप करा, आसनों की सिद्धि की, उसके बाद में अभी ये तपस्या की सिद्धि कर रहे हैं। अभी ये 9 साल इसको हो गए, 9 साल अभी और होंगे? हाँ जी, यानी कि 18 साल तो आपको हो चुके हैं जी, 9 साल अभी ये वाली साधना और करनी और होंगे, 27 साल हो जाएंगे। 27 साल टोटल साधना करेंगे, साधना होगी। ठीक है, तो अभी आप शुरू करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं। अभी आप थोड़ी देर बैठिए, अभी ये चेतन होगी अग्नि जी, और इसी में बैठ के फिर साधना की जाती है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बाबा यहाँ पर अपने कमंडल लेकर, अपनी पूजन सामग्री की पोटली लेकर, अपना आसन लेकर, अपना शंख लेकर। अच्छा, ये अगवा लगा हुआ है और ये जो 12 ढीगले लगे उसको द्वादश धुनी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि अंदाजा से लगा दिया दूर दूर, ये टोटल 12 लगेंगे? 3-3 साल का कोर्स होता है। अच्छा, ये पंचधुनी से शुरू होती है, पहले पंचधुनी तपी जाएगी 3 साल, उसके बाद में सप्तधुनी तपी जाएगी 3 साल, उसके बाद में द्वादश धुनी तपी जाएगी 3 साल, उसके बाद में 84 धुनी तपी जाएगी 84, हाँ, उसके बाद में कोट धुनी तपी जाएगी 3 साल, और उसके बाद में कोट खप्पड़ धुनी तपी जाएगी 3 साल। ऐसे 6 तरह के इसके पड़ाव है। अच्छा, 84 में ये 84 होंगे? 84 लगे होंगे, तो ये गोला भी बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और कोट में? कोट में गोल रहेगा। गोल कैसा? ऐसे ही कंडिका गोल। अच्छा, लगा फिर उसमें गिनती नहीं? नहीं। और छप्पर कोट, मतलब कोट छप्पर में मटका माथे पर रख के उसके अंदर अग्नि रख के तपा जाएगा। अच्छा, तो अभी आप द्वादश वाले स्टेज पे हो जी, कि अब आप देख सकते हैं 3-3 साल का ये पड़ाव है। मैं ये सोच रहा था कि ये ऐसी अंदाजा से दूर दूर रख दिया होगा, लेकिन नहीं, ये द्वादश यानी कि 12 छोटे छोटे और एक ये बड़ा, जिस अगुआ जिसको बोलते हैं। तो बाबा की तैयारी शुरू हो गई है। बाबा आपने ये हल्का सा इसमें अंगारा डाला और ये पूरा जल गया अपने आप? अभी ये चेतन हो जाएगा, तभी जब चेतन होएगा तभी उसमें हवन पूजन किया जाएगा। पहले इसके अंदर हवन पूजन सामग्री छोड़ी जाती है, उसकी क्रिया की जाएगी, बाद में ये धुनी की क्रिया की जाएगी, बाद में धुनी। तो इसका कुछ लाभ वगैरह कुछ विशेष? इसका लाभ बोले तो ये परमार्थ के लिए किया जाने वाला कर्तव्य होता है, सृष्टि के कल्याण के लिए। ये धुनी तपने से, तपस्या होने से, जो बारिश पानी है जिस क्षेत्र में ये तपस्या होती है उसमें बारिश पानी अच्छी रहेगी, फसल अच्छी निकलेगी, रोग राई दूर रहती है,
सृष्टि के जो प्रकोप होते हैं वो कम रहते हैं, एक्सीडेंट वगैरह। इन 24 घंटे में ये कर्म हमारा रोज एक बार हमको करना है, ये कर्म के बिना अन्न नहीं ले सकते। ऐसा भी है? तो अभी आपने मतलब भोजन लिया नहीं है? नहीं नहीं, सुबह से भोजन ही नहीं लिया? नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं पाना होता है, जब तक ये कर्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पाना होता है। लस्सी वगैरह कोई जूस है आप पी सकते हैं, पर वो भी दांत के नीचे चबाने वाली चीज वाला नहीं होना। अच्छा, जो दांत से चबा करके खाया जाएगा वो नहीं खा सकते जब तक ये वाली साधना ना की जाए। अच्छा बाबा, इसको आप सुबह ठंडे में भी कर सकते हैं या शाम को भी कर, ये दोपहर में ही तपती धूप के नीचे? नहीं नहीं, इसका नियम ही है कि ये तपस्या 11 बजे से लेके 2 के बीच में करने की होती है, मध्यवहन काल में। अच्छा, हाँ, ये तपस्या का जो विषय है वो मध्यवहन काल का ही है। सुबह का अलग होता है, मध्यवहन का अलग है, और शाम का त्रिकाल संध्या होती है, उसमें से ये मध्यवहन काल का क्रिया है। अब बाबा अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूजन सामग्री बाबा ने निकाल ली है और जल का पात्र निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। एक शीशा भी है बाबा का, और ये प्रारंभ हो चुका है। ये शीशे से बाबा अपना, बाबा इस चंदन का क्या वो है ये जो आप लगा रहे हैं? गोपी चंदन है। अच्छा, ये द्वारका का गोपी चंदन आता है। अच्छा, रामानंद संप्रदाय में श्री वैष्णव में तिलक के बिना कोई भी भगवत कार्य नहीं किया जाता। अच्छा, तो महाराज एक सवाल और लोगों को मन में उमड़ रहा होगा इसको देख, आपकी क्रिया को देखने के बाद, कि एक तो सूरज सिर पे, दूसरा ये गोसे, ये सर्दी का मौसम भी नहीं है कि आनंद आ रहा हो, तो क्या गर्मी और ये सब नहीं लगता आपको? गर्मी हमारे को नहीं लगती, एक ये तपस्या का हिस्सा है। और आज भी इस संसार में अगर जीव, मनुष्य जीव अपनी निष्ठा के साथ अपने कर्म करे तो उसको कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ये जो अपनी भूमि है ये पवित्र पावन भूमि है, यहाँ झूठ कभी भी विजयी नहीं हो सकता, या सत्य की ही विजय होती है। और आज भी जो जीव सत्य पर चलता है उसके साथ 24 घंटा श्री राम जी साथ में चलते जी। देखिए महाराज, इस तपस्या का नाम क्या है? इसको धुनी की तपस्या कहते हैं, हर साल की धुनी की तपस्या बोली जाती है। ये साधु जी हैं, ये अपनी तपस्या की तैयारी कर रहे हैं, अभी तिलक चंदन लगा रहे हैं, क्योंकि रामानंद संप्रदाय में ये जब तक ये तिलक ना लगाया जाए, ये टीका ना लगाया जाए, तब तक कोई कार्य शुभ प्रारंभ नहीं होता। आग की लपटें आप देख सकते हैं, ज़रा सा अंगारा महाराज ने इसमें डाला था और अब ये बहुत तीव्र गति से दैदीप्यमान हो गई है, जलना प्रारंभ हो गई है। इसके बाद ये द्वादश जो ढेरे लगाए हैं ये भी महाराज जलाएंगे। गण नाम तो अगुंगवा मई निधि नाम तो अनितपत हुआ अंतर्गत अमुक मास है, चैत्र मास है, अमुक पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, अमुक तिथि द्वादश तिथि, अमुक गुरुवार शुक्रवार, अमुक ठिकाने श्री गंगा तटे हरिद्वार कुंभ मेला ठिकाने श्री चंडी माता मनसा माता क्षेत्र। तो बाबा के ये मंत्र चालू हो गए हैं और पूजन भी प्रारंभ हो गया है। तिलक चंदन की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण होने के बाद मंत्र उच्चारण बाबा का शुरू हो गया है। पुनक्तम स्वाहा ओम समाधानिन्दुव्यस्य धृते वदायतिमस्मितम हव्य ज्योतनम स्वाहा ते नम स्वाहा इदम प्रजापते नमः ओम प्रजापते नम स्वाहा इदम प्रजापते नमः ओम इंद्राय नम स्वाहा इदम इंद्राय नम इंद्राय नम स्वाहा इदम इंद्राय नमः ओम अग्ने नम स्वाहा इदम अग्ने नमः सोमाय। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया आगे बढ़ना प्रारंभ हो गई है। वो जो बड़े वाला जो एक ढेर था उपलों का जो जल रहा था शुरुआत से, उसमें से एक एक टुकड़ा उठा उठा करके इन 12 के 12 ढेरों में बाबा ने लगाना शुरू कर दिया है मंत्रों के साथ। आप देख सकते हैं बाबा के पास एक चिमटा है, चिमटे से बाबा इसको उठाते हैं और हर ढेर के ऊपर इसको रख देते हैं। चिमटे से उठाने के बाद सिर पर से घुमा करके बाबा इसको हर ढेर के ऊपर रखते हैं और सभी ढेरों में ये टुकड़ा आग
पकड़ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं तो इसके घेरे के बाहर ही बैठा हूँ और धुआं इतना ज़्यादा है कि बैठना अत्यंत कठिन हो रहा है, और बाबा तो अंदर बैठे हुए हैं चारों घेरे के, तो बाबा किस तरीके से बैठ पा रहे हैं, मैं तो बाहर ही इसमें बैठने में असमर्थ सा महसूस कर रहा हूँ। ये तो एक तपस्या है, जिस जीव ने तपस्या का बीड़ा उठा लिया, मतलब लक्ष्य एक बार ले लिया है, और जो जीव सत्य पे चलता है और लक्ष्य के संघर्ष के साथ चलता है, वो जीव को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस जीव को भी इस सृष्टि में राम जी में विश्वास है, वो अगर निष्ठा से चलता है तो उसका जीवन पूरी तरह से आनंदमय हो सकता है। अच्छा जी, तो अब ये कितने घंटे की और आपकी प्रक्रिया बची है? ये एक घंटे तक चलेगा। अभी आधा घंटा पूरा हो चुका है। आधा घंटा हो गया हूँ, तो आधा घंटा इस प्रक्रिया को हो गया है कंप्लीट हुए। अब ये एक घंटे की प्रक्रिया बची है। सारे उपले दैदीप्यमान हो गए हैं, पहले एक ही जल रहा था। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र सबुत कौशिक ऋषिया श्री सीता रामचंद्र देवता राम बीज मनुष्ठ छंदा श्री सीता शक्ति श्रीमद हनुमान किलकम श्री सीता रामचंद्र पितरते राम रक्षा स्तोत्र जब भी नहीं होगा। ओम बुत कौशिक ऋषि नमा श्री अनुष्ठ छंद से नमा मुखे श्री सीता रामचंद्र देवता नमा। तो दोस्तों, बाबा की प्रक्रिया ऐसे ही अब चलती रहेगी। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये जो गाय के गोबर के उपले के ढेर लगाए थे 12 ढेर, ये 12 के 12 अब जलने प्रारंभ हो गए हैं। इसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और बाबा के मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और ये साधना है बाबा की, ये 4 महीने तक चलती है और हर वर्ष 4 महीने ये चलती है। तो इसी प्रकार के अलग अलग साधु जो इस महाकुंभ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला हरिद्वार में लगा हुआ है गंगा के तट पर, हम आपको दिखाते रहेंगे। भविष्य में भी ऐसे साधुओं को देखने के लिए, ऐसी तपस्या को देखने के लिए हमारे चैनल को यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।